नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में, शेखर जोशी व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज का दिन बहुत खास है। एक तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, आप सबको जन्माष्टमी की बधाई। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है कृष्ण जी का बर्थडे, तो आज हम लोग काटेंगे केक। तो दोस्तों हमारे पास कृष्ण जी है, जी भी है, इसलिए हम लोग राम जी का बर्थडे बना लेंगे। राम जी और कृष्ण एक ही होते हैं। तो दोस्तों आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और आज ही होता है लक्षा का जन्मदिन भी, मतलब तिथि वाला। तो हल्द्वानी में लक्षा के बड़े पापा जो है मार्कंडे की पूजा कर रहे हैं लक्षा के तिथि वाले जन्मदिन के अवसर पर। लक्षु जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अरे यहाँ क्या बन रहा है? दिल। अरे वाह, दिल बनाया जा रहा है भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेखर जोशी व्लॉग्स में। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई कान्हा जी के बर्थडे की। और हमारे आज हमारी लक्षा का भी आज जन्मदिन होता है, आज ही के दिन वो पैदा हुई थी, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तिथि का उसका आज का ही होता है जन्मदिन। तो गाइस आज बन रहा है नाश्ता। हमने किसी ने भी व्रत नहीं किया क्योंकि मैं तो करता नहीं हूँ, गरिमा करती थी। मैंने गरिमा को साफ बोला हुआ है व्रत करने के लिए मना किया हुआ है क्योंकि इसको गैस हो जाती है और ये डायबिटिक है। तो इस केस में बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप व्रत करो कोई भी, है ना। लाइफ का रिस्क लेकर के भक्ति नहीं होती है। और आज क्या नाश्ता बन रहा है? आज बन रहे हैं बर्गर। नहीं, स्मॉल बर्गर। मिनी बर्गर। नहीं दोस्तों, मैं इनसे कह रही थी कि नहीं, इसको तो बोलने दे, मुझे तो नहीं बोलने दिया अभी तूने। तो दोस्तों मैं ये कह रही हूँ कि मैं इनसे पास्ता नहीं बन रहा है क्योंकि वो उसमें फिर अनियन वगैरह डालना पड़ता है ना, हम सिंपल आलू के वो बना रहे बर्गर। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैं इनसे कह रही थी व्रत ले लेती हूँ, मैं हमेशा कर रखा है व्रत, लेकिन वही है फिर अभी जो मेरी सारी मेडिसिन चल रही है वो बिना नाश्ते के, बिना खाने के, किसी चीज के बिना नहीं है। सब मतलब बिना खाए कोई दवाई नहीं खानी है, और अगर नहीं खाऊंगी तो फिर पता ही आपको क्या हाल। देखो गाड़ी में तेल, गाड़ी की सर्विस, गाड़ी मेंटेन रहेगी, गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, है ना। तो इसलिए जो है भक्ति करिए और स्वच्छ भक्ति करिए, अपने दिल से जो है पापों को निकालिए, मानसिक जो सोच के भी जो पाप है उनको भी हटाइए। सबका भला हो, दूसरों के भले होने पर खुश रहिए, यही भक्ति है। वो तो है, दूसरी की खुशी हो जाए, दूसरे की किसी का लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, किसी को गाड़ी मिल जाए, किसी को जॉब लग जाए, खुश होइए, उन्हें बधाई दीजिए, है ना। हाँ ये है जीवन असली, सही। सबके सुख में सुखी और हाँ, सबके दुख में दुखी, दुखी। हाँ। सबके दुख में दुखी भी वही अच्छा लगता है जो सबके सुख में सुखी हो। अरे बाप रे, ये कहने ना मैं अच्छा खासा ठेला बोल सकती हूँ। ठेला ही बोलेंगे, पढ़ाई में तो कमजोर कमजोर हूँ मैं पढ़ाई में है। नहीं सॉरी यार बेटा, बहुत बहुत गलती हो गई मुझसे। चाय बन रही है गाइस और ये छोटे छोटे बर्गर बन रहे हैं। तो दोस्तों चाय का टाइम हो रहा है लेकिन बारिश भी आने वाली है। आने वाली क्या है, बारिश भी आना शुरू हो गई है, बारिश का मौसम हो गया अचानक। तो यहाँ पर ये कुछ बना है, नमकीन का बनाया है ये। आ जाइए है हमारी हर्षिता। बच गए कपड़े, बच गए, चलो गुड, शाबाश बेटा, गुड। ये बचा लाए, बाप रे तुम तो बड़े दौड़ के गए यार। भर सुखाए कुरकुराए कपड़े भीगे हैं। बाप रे आज मैंने पहली बार लक्षा को दौड़ते हुए देखा, गुड बेटा। रोज दौड़ती हूं मैं, इतना दौड़ती रहती हूं। तो दोस्तों आज आई है हर्षिता, लक्षा और भूवी की छोटी दीदी। पंखा तो ऑन करो, वो लाइट तो ऑन कर दे, ये खुश है भाई आज तो। भूवी भूवी कौन आया गाइस को बता दे, कौन आया है यार ये नहलाया किसने आज? आज छोटी दीदी ने नहलाया भाई, और दोनों मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं, मैचिंग मैचिंग। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, ये हम जा रहे हैं हर्षिता को ड्रॉप करने। लेकिन रोड मस्त हो गई अब, क्यों मजा आ रहा है यार देख के, ऐसी पूरी हो जाए ना ये मजा आ जाएगा कसम से। तो दोस्तों हर्षिता चली गई है और आज का दिन ऐसा रहा सुस्त सुस्त सा, कुछ नहीं किया हमने आज, और कहीं गए भी नहीं, मंदिर भी नहीं जा पाए, कुछ नहीं कर पाए। जय हो बाबा जी। तो दोस्तों साईं बाबा जी के मंदिर में आज जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ,
और जैसे ही हम यहाँ पर आए थे तो आरती हो रही थी, हमसे रुका नहीं गया और हम सीधे ऊपर चले गए और वहाँ पंडित जी मिले, उन्होंने भी हमें अंदर बुला लिया, प्रसाद दिया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एक तो आरती हो रही थी ना, हाँ, और कान्हा जी का झूला वगैरह लगा है तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं नंदा देवी मंदिर और यहाँ पर तो बहुत अच्छा हो रहा है यार, मैं सोचा नहीं था इतना अच्छा मेला जैसा लग रहा है। ये देखो हम बच्चों को लेके ही नहीं आए, देखो बच्चों को लेके ही नहीं आया यार, तो खुश हो जाते। हाँ क्या पता, मैं पता ही नहीं था फिर ऐसा होगा करके। जय हो माता की, माता कृपा करना, ये जय हो। तो दोस्तों माता की कृपा से आरती करने का मौका मिला आरती नंदा देवी में भी, नंदा देवी में भी। तो आज हमें इतनी बड़ी कृपा हो गई भगवान की, बहुत ही बड़ी कृपा कि साईं मंदिर में फिर नंदा देवी में दोनों जगह हमें आरती करने का मौका मिला। अब चलते हैं घर को। जय हो भोले बाबा की जय। देखो यहाँ भी आरती हो रही है। हमारा दिन वैसे ही भगवत पूर्ण हो गया, भगवतमय हो गया, अपने आप हो गया। हम कह रहे थे ना आते वक्त की यार नहीं हो पाया या हम कुछ नहीं कर पाए, आज वहाँ भी आरती हो रही है। देखो दी जय हो भोले बाबा की। तो यही होती है कृपा, बिल्कुल वो बरसाता है, अपने आप कृपा मिलती है, है मन शुद्ध होना चाहिए इसलिए कहते हैं। चले मन शुद्ध हुआ है, मन शुद्ध है वही ब्रत है बस। चलो तो दोस्तों घर पहुंच गए हम लोग और भूविश हो गई। देखो ये पूरी रात आज काली, आज कान्हा ने पूरी रात काली करनी है। चलो इसको दो, अच्छा लगा वहाँ हमारे सब्सक्राइबर भी मिले इतने क्यूट, और मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। वो लोग कह रहे थे कि हम डेली व्लॉग देखते हैं, जिस दिन नहीं आता है हमें बड़ा अजीब सा लगता है करके, तो बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। अगर तुम रोए सिखावे ऐसे कहीं श्रीपति घंटी लगावे। एक कान्हा का सुना दो यार, आज जन्माष्टमी है, भाव से सुनाओ मन से। कौन सा गाय भूवी, कान्हा जी का भूवी कौन से वाले में डांस करती है? एक्चुअली गाइज भूवी ना सोई थी, इसको जबरदस्ती उठाया गया है। देव की नंदन तुमको वंदन, रख दे सबकी लाज, सबकी स्वामी अंतर्यामी, पूरण कीजे काज, मन मंदिर में सजे बिहारी। भूवी थोड़ा मुंह दिखा दे यार। मन मोहन ते छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मन बंसी बजैया तारनहार मेरे, तुम ही खेवैया, तुमसे बड़ा यहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नंदन तुमको वंदन, रख दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूरण कीजे काज। खाना वाना खा लिया है और ऐसा रहा आज का दिन, बहुत अच्छा रहा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आप सबको एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।